ब्रांड शिविर अनिश्रा चैनल को लाल कलर बटन दबा के सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल अनिश्रा में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है। ठीक है, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर रहता है, घर रहता है, बड़े बड़े टावर रहता है, तो उसमें कौन कौन सा लोड लगता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला अगर बात कर ले डेड लोड। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड में आपका चार प्रकार का हमने लोड लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हो गया लाइव लोड और तीसरा है विंड लोड। ठीक है, जिसको हवा लोड बोलते हैं, और अर्थक्वेक जिसको भूकंप। ठीक है, ये चार लोड है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम सब के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला अगर बात कर ले तो डेड लोड। ठीक है, डेड लोड होता क्या, तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं। ठीक है, डेड लोड आर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर लाइक वॉल, फ्लोर, बीम, कॉलम। डेड लोड क्या है, एक सेल्फ लोड है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर का खुद का, यह हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इतना अच्छा डायग्राम नहीं है, फिर भी आप लोग इस डायग्राम को देखिए, तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्लैब हो गया, बीम हो गया और कॉलम हो गया, ये सारे का सेल्फ लोड लगता है, उसी को बोलते हैं डेड लोड। ठीक है, डेड लोड एक फिक्स हो जाता है, जब हम स्ट्रक्चर बनवाते हैं बिल्डिंग का तो फिक्स हो जाता है। ठीक है, स्लैब, बीम, कॉलम, ठीक है, वॉल। उसके बाद डेड लोड आपका आईएस 875, ठीक है, पार्ट वन में ये लिखा गया। ठीक है, आईएस कोड में। ठीक है, दूसरा पॉइंट का वहीं बात कर लें, लाइव लोड। ठीक है, तो लाइव लोड होता क्या है, तो लाइव लोड ऑन द फ्लोर एंड रूफ कंसिस्ट ऑफ ऑल लोड विच आर टेम्प्रोरली प्लेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड चेंजिंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम। लाइव लोड क्या है, लाइव लोड एक आपका हो गया टेम्प्रोरी लोड है। ठीक है, जैसे कि आप फर्नीचर डालते हैं या हम लोग रहते हैं, ठीक है, आदमी लोग रहता है, फर्नीचर हो गया, चाहे कोई मशीन रखे हैं, चाहे आप कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम इधर उधर, ठीक है, बिल्डिंग में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से घसका के यहाँ डाल सकते हैं। आप रहते हैं, आपका लोड या आदमी का लोड, हर एक मशीन का लोड, कुछ भी सामान रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्डिंग में वही लाइव लोड होता है। ठीक है, जो रिमूवल हो इधर से उधर उसको घसकाया जा सके। ठीक है, और यह टेम्प्रोरी नहीं रहता है, आपका इच्छा होगा तो इस सामान को इधर से उठा के डाल सकते हैं या हटा सकते हैं, उसी को बोलते हैं आपका लाइव लोड। और ये आपका होता है IS 875 पार्ट टू में। ठीक है, 1987, ठीक है, आईएस कोड पार्ट टू में। ठीक है, अब तीसरा वही पॉइंट का अगर बात कर लें तो ये है विंड लोड। तो विंड लोड होता क्या है, तो विंड लोड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ विंड इज टू कंसीडर इन द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग। विंड लोड क्या है, ये जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है तो आपको हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली क्या है, हवा के कारण आपका लोड लगता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है विंड लोड डिपेंडेड अपॉन द वेलोसिटी विंड। विंड लोड क्या है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, और शेप और साइज, बिल्डिंग कितना बड़ा है और उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है, तो उस पर भी विंड लोड लगता है और उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यह आपका IS 875 पार्ट थ्री में है, पार्ट थ्री। ठीक है, वहीं चौथा अगर पॉइंट का बात कर ले तो चौथा हमारा है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक लोड क्या है, यह आपका अर्थक्वेक लोड डिपेंडेड अपॉन द प्लेस वेयर बिल्डिंग इज लोकेटेड। अर्थक्वेक क्या है, आपका किस लोकेशन पे बिल्डिंग बना है, किस लोकेशन पे आपका स्ट्रक्चर है। ऐसे इंडिया में आपका चार जोन में, सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो आप किस जोन में हैं उसके अकॉर्डिंग अर्थ लोड होता है, लगता है। ठीक है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, किस जोन में है, जोन वन में है, सिस्मिक जोन वन में है, टू में है, थ्री में है, फोर में है। जैसे हम लोग बिहार में हैं तो बिहार सिस्मिक फोर जोन, जोन फोर में आता है। ठीक है, और यह आपको एज पर एज IS 1853 से लेकर 2002 में पार्ट वन में यह अर्थक्वेक लोड के बारे में अच्छी तरह बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो था, अगर अच्छा लगा थोड़ा भी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।